हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वेरिएशन इन क्वांटिटीज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंजेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज किया, इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो चेंज किया, तो आपकी जो भी क्वांटिटीज है लाइक सी क्यू वी ई, मतलब चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, एनर्जी स्टोर्ड, इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो अभी हमें देखने हैं। तो इसमें दो केस रह सकते हैं, एक जब बैटरी प्रेजेंट है, एक जब बैटरी रिमूव की है। तो फर्स्ट केस हम देखेंगे व्हेन बैटरी इज रिमूव। ओके, तो सी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, देन क्यू हम फाइंड आउट करेंगे, क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी। ये इनिशियल स्टेज, ओके, ये इनिशियल स्टेज है जब हमने स्टार्टिंग है हमारी, जब हमने कुछ किया नहीं है। अब हमें डिस्टेंस हम चेंज करेंगे, देन हम देखेंगे इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो वी इसके अक्रॉस में जो आया था वो तो सेम ही रहने वाला है, उसको हम लिखेंगे वी इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई सी से। ई का फॉर्मूला क्या है हमारा, ई इक्वल्स टू रहता है वी डिवाइड बाई डी, या हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड एफ यू लिखते हैं हम हाफ सी वी स्क्वेयर, एंड लास्ट में रहता है एफ जो रहने वाला है क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू है। ओके, तो ये हमारी इनिशियल स्टेज है। नाउ अभी हम क्या करते हैं, वी वांट टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड वी विल चेक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पैरामीटर्स, दिस क्वांटिटीज। ओके, नाउ मैं अब एक फिगर निकालता हूँ, यहाँ पर मैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर एक फिगर कंसिडर करते हैं, जो डिस्टेंस है। अब मैंने क्या किया है, ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैंने चेंज करके क्या किया है, एक्स किया है। क्या किया है, एक्स किया है। अब मैं एक्स डायरेक्टली कंसिडर करता हूँ। आपको देखो पहला डिस्टेंस डी था, अब एक्स डिस्टेंस है मतलब ये कम भी किया जा सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, हमें पता नहीं। हम डायरेक्टली ओवरऑल स्टेज कंसिडर करेंगे। तो हमने क्या किया है, इसके डिस्टेंस को एक्स किया है, मतलब ये कम। अब कम किया है तो आपको सिर्फ एक्स की जगह पे कम की वैल्यू डालनी है, ज़्यादा है तो एक्स की जगह पे कम ज़्यादा की वैल्यू डालनी है, एंड आपको आंसर निकालना है। अंडरस्टैंड? सो आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया है, इसको डिस्टेंस एक्स किया है, मतलब इससे कम भी रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है। ओके, अब आप क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कम किया है तो कम किया है, कम किया है एंड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रहने वाला है। ओके, नाउ अब हमें सी डैश निकालना है। तो सी डैश की वैल्यू, अब देखो जब हम डिस्टेंस, एक चीज़ तो कंफर्म है इसमें, फर्स्ट एक चीज़ तो कंफर्म रहने है, जब हम डिस्टेंस चेंज करेंगे एक चीज़ में चेंजेस नहीं आने वाली है, एक चीज़ में चेंजेस नहीं आने वाले, और वो है हमारा क्यू डैश। क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू रहने वाला है, ये हमारी कंफर्म स्टेज रहने वाली, और ये हर वक्त रहता है अगर बैटरी रिमूव है तो। बैटरी रिमूव है तो मतलब नया क्यू कहीं से आने वाला नहीं है। कौन देने वाला है नया क्यू, क्योंकि यहाँ से क्यू निकाल के यहाँ पर कौन देता था, बैटरी देती थी। अब यहाँ पर बैटरी प्रेजेंट नहीं, इसका मतलब फाइन इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज में क्यू हमारा सेम ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्यू क्यू गायब भी नहीं होने वाला एंड नया कहीं से आने भी नहीं वाला है। सो क्यू डैश इक्वल टू क्यू हमारा सेम रहने वाला है। नाउ सी डैश इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, सी डैश इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय एक्स, बराबर है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस एक्स है। तो एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पर देखो, एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ सी इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ सी इंटू डी। तो इसको मैं सी डैश इक्वल्स टू सी डी डिवाइडेड बाय एक्स, ये बन जाती है मेरी न्यू सी डैश की वैल्यू। प्रीवियस कैपेसिटेंस बोल दो, प्रीवियस डिस्टेंस बोल दो, न्यू डिस्टेंस बोलो, हमें सी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, या न्यू कैपेसिटेंस बोल दो, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। इसमें से कोई भी एक फॉर इसमें से कोई एक टर्म्स मिसिंग रहेगी तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो सी डैश डिवाइड बाई सी इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई एक्स। अंडरस्टैंड? हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो न्यू सी की वैल्यू क्या रहेगी, सी डी डिवाइड बाई एक्स। डी क्या है, डिस्टेंस प्रीवियस, एक्स क्या है, डिस्टेंस न्यू। ओके, इसके टाइप का एक आधा क्वेश्चन हम ले लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
बट अभी फिलहाल आपको टर्मिनोलॉजी समझ लेनी है। क्यू डैश की वैल्यू तो क्यू है, सी डैश की वैल्यू तो सी डी बाय एक्स आ गई। नाउ अभी हम वी फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, सो हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस एक्स है, एक्स कर दिया है, तो हमारी सी डैश की वैल्यू आ गई है सी डी डिवाइडेड बाय एक्स, और हमारी क्यू डैश की वैल्यू है क्यू, क्योंकि वो चेंज होने वाला नहीं, बैटरी हमारी प्रेजेंट नहीं है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वी डैश, वी डैश की वैल्यू क्या रहेगी, वी डैश की वैल्यू है हमारी क्यू डैश डिवाइड बाय सी डैश, क्यू डैश डिवाइड बाय सी डैश। अब क्यू डैश की वैल्यू तो क्यू ही है एंड सी डैश की वैल्यू है हमारी सी डी बाय एक्स, सो क्यू बाय सी को हम फिर से वी लिख सकते हैं। सो वी इक्वल्स टू वी इंटू एक्स डिवाइड बाय डी, सो वी डैश की वैल्यू हमें मिल गई है वी एक्स डिवाइड बाय डी। ओके वी डैश की वैल्यू हमें मिली है वी एक्स डिवाइड बाय डी। नाउ देन एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या वी बाय डी। ओके मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आपको समझाता हूँ, आप वी बाय डी से एक बार उसे सॉल्व करो। सो ई डैश की वैल्यू उस टाइम पे बनेगी वी डैश डिवाइड बाय डी डैश। ओके तो आप उसको वी डैश की वैल्यू वहाँ पर प्लेस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। ओके अब वी डैश डिवाइडेड बाय एक्स, ओके वहाँ पर ये ई डैश की वैल्यू हम इस तरह करेंगे, आपको इसे ई डैश इक्वल्स टू वी डैश डिवाइड बाय एक्स से सॉल्व करना है एंड आपको सेम आंसर मिलना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके वी डैश की वैल्यू ये प्लेस कर दो, एक्स तो आपके पास है ही है, सो ई डैश इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा को हम लिख सकते हैं ई डैश इक्वल्स टू सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू डैश डिवाइड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू डिवाइड बाय ए। अब ए इसमें चेंज हुआ है क्या, नहीं। क्यू डैश चेंज होता है क्या, नहीं। तो हमारा क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और इसी को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सेम वैल्यू है ई की, तो हमारा ई डैश की वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं। ई डैश इक्वल्स टू ई, ये हमारा आना चाहिए। मतलब अगर हमने प्लेट का डिस्टेंस, प्लेट का डिस्टेंस, इन दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम किया, ज़्यादा किया, कितना भी किया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने वाली है क्या, कम या ज़्यादा कुछ होने वाली क्या, नहीं। बिकॉज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में यहाँ पर कहीं पर भी डिस्टेंस का कुछ है क्या, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके ये हमें यहाँ से समझ में आता है। हाँ अगर इसके बीच में डायलेक्ट्रिक प्लेस किया आपने, तो उस डायलेक्ट्रिक में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने वाली है, बाहर होने वाली है क्या, नहीं। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। ओके नाउ नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे यू डैश, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे यू डैश। तो यू डैश की वैल्यू क्या है, यू डैश इक्वल्स टू हाफ सी डैश वी डैश स्क्वेयर। ओके एंड हाफ सी डैश की वैल्यू हमारी है सी डी अपॉन एक्स, वी डैश की वैल्यू है हमारी वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय डी स्क्वेयर, वी एक्स बाय डी, तो वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर, तो एक्स एक्स गेट कैंसिल आउट, डी डी कैंसिल आउट, हाफ सी वी स्क्वेयर को हम यू लिखेंगे, सो यू डैश की वैल्यू हमारी फाइनल बनेगी हाफ सी वी स्क्वेयर को हमने यू लिख दिया एंड यहाँ पर एक्स एंड डी बचा है, सो एक्स बाय डी। तो हमारी न्यू एनर्जी मिल जाएगी अगर हमारे पास प्रीवियस डिस्टेंस एंड न्यू डिस्टेंस है तो। ओके क्या करना है, सिर्फ यू को इनिशियल वैल्यू एक्स एंड डी इस जस्ट वैल्यूज को प्लेस करना है एंड आपको आंसर निकालना है। ओके नाउ इसमें और एक कंसेप्ट रहती है, अ फोर्स, एक लास्ट चीज़ रहेगी फोर्स। तो एफ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वेयर टू ए एप्सिलॉन नॉट, सो एफ डैश क्यू डैश स्क्वेयर। अब क्यू डैश इसका स्क्वेयर, बट क्यू की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, सो क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, तो एंड एफ आपका फिर से सेम आने वाला है, तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ ई रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो इसमें कभी कभी बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़ किया जाता है
कि ये दो प्लेट है एंड इन प्लेट के बीच में का डिस्टेंस मैंने इंक्रीज कर दिया, तो फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि ये दो प्लेट है कैपेसिटर के, इनको मैंने, इनका डिस्टेंस मैंने इंक्रीज कर दिया, इनको दूर दूर कर दिया, तो फोर्स में क्या चेंजेस आएगा। तो बताओ फोर्स में क्या चेंजेस आएगा। इक्वेशन हमें क्या आंसर दे रहा है, एफ डैश इक्वल्स टू एफ, मतलब आपका डिस्टेंस कम हो ज़्यादा हो फोर्स में चेंजेस आएंगे क्या, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्या थ्योरेटिकली इसमें समझ सकते हैं हम? यस समझ सकते हैं थ्योरेटिकली। क्यों समझ सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो क्यू इन टू ई है, फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्यू इन टू ई है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है तो क्यू इन टू ई है, तो क्यू भी चेंज नहीं हो रहा है एंड ई भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यू कहाँ से, नया क्यू आने के लिए कोई एक्सटर्नल मीडियम नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, एंड ई जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जो कि डी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसकी वजह से प्लेट का डिस्टेंस कम हो ज़्यादा हो फोर्स में चेंजेस नहीं आने वाले। एंड मोस्टली आपको इसमें कंफ्यूज किया जाता है एंड मोस्टली मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें गलत ही आंसर दे देते हैं। ओके तो फोर्स में कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं फोर्स में कुछ भी चेंज नहीं आएंगे। एनर्जी में चेंज आएंगे, हाँ आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे। ओके लास्ट, अब हमने जो प्लेट का जो डिस्टेंस है, हमने जो प्लेट का डिस्टेंस है उसको हमने चेंज किया है, अनचेंज करके हमने क्या किया है, एक्स किया है। तो चेंज करने में हमारा कुछ वर्क डन हुआ है, तो उस वर्क डन को अगर हमें निकालना है तो हम वर्क डन कभी भी क्या निकालते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके वर्क डन हम कभी भी कैसे निकालते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल की वैल्यू हमारी क्या है, यू फाइनल मतलब यू डैश, ओके यू डैश माइनस यू। अब यू डैश की वैल्यू हमारी क्या है, यू एक्स बाई डी माइनस यू इनिशियल, उसको तो यू ही बोला है हमने, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यू कॉमन आ जाएगा एंड एक्स बाय डी माइनस वन। ओके एंड यू का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, सी फी स्क्वेयर एक्स, सी फी स्क्वेयर एक्स बाय डी माइनस वन। ओके मैं चाहता हूँ, अब ये जो हमें फॉर्मूला मिला है वर्क डन का, वर्क डन का वो क्या मिला है, सी वी स्क्वेयर एक्स बाय डी माइनस वन। ओके इसमें सी वी स्क्वेयर से हमने ये फॉर्मूला निकाला है। अगर आपको ये फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ सी वी स्क्वेयर है क्या, यू हाफ सी वी स्क्वेयर है, सॉरी। ओके तो यहाँ पर यू जो है वो हाफ सी वी स्क्वेयर आता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ हाफ सी वी स्क्वेयर है क्या, नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वेयर बाय टू सी से भी आता है। सो अभी हमें अगर क्यू स्क्वेयर बाय टू सी से निकलना है तो यहाँ पर देखो क्यू स्क्वेयर बाय टू सी एक्स माइनस डी डिवाइड बाय डी। ओके एंड सी को अगर हम रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी से तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला फाइनली बन जाएगा यहाँ पर देखो, तो सी को अगर मैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी से लिख दूंगा तो फाइनल आंसर क्यू स्क्वेयर के साथ आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर, ये क्यू को इस तरह लिखेंगे हम, क्यू स्क्वेयर टू एप्सिलॉन नॉट ए डी कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स माइनस डी। ओके तो ये हमारा फार्मूला, एक तो ये फार्मूला यूज़ करो या ये फार्मूला यूज़ करो। अब सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। नाउ अभी हम देखेंगे केस सेकंड, बैटरी रिमेंस कनेक्टेड। अभी इसमें बैटरी कनेक्टेड है एंड हम अब प्लेट का डिस्टेंस, प्लेट के बीच में का जो डिस्टेंस है वो चेंज करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, एनर्जी स्टोर्ड, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इनिशियल कंडीशन हम कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन, जब हमने प्लेट का डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर अभी फिक्स है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, क्यू है हमारा सी इंटू वी, वी है हमारा क्यू डिवाइड बाय सी, ई की वैल्यू हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या वी डिवाइड बाय डी, एंड यू को लिखते हैं हम हाफ सी वी स्क्वेयर या कभी कभी लिखते हैं हम क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय टू सी, एफ को लिखते हैं हम क्यू स्क्वेयर टू ए एप्सिलॉन नॉट। ओके
इतने फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करेंगे। ओके एंड बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी हमारी कनेक्ट है। ओके तो इनके बीच में अगर हम डिस्टेंस चेंज करते हैं, और चेंज डिस्टेंस को हम क्या, मैं क्या बोलूँगा, एक्स, मतलब वो कम रह सकता है ज़्यादा रह सकता है। तो इनके बीच का डिस्टेंस आप चेंज करके एक्स कर दिया है, बैटरी हमारी अभी भी सर्किट में है। ओके बैटरी का पोटेंशियल वी बोल देंगे हम। अब जब देखो इनिशियल कंडीशन में अब हमारी बैटरी अगर प्रेजेंट है तो क्या कांस्टेंट आने वाला है बताओ, अगर हमारी बैटरी सर्किट में प्रेजेंट है तो क्या कांस्टेंट आने वाला है। तो एक चीज़ कंफर्म है कि हमारा वी डैश जो भी न्यू पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी हमारी पैरेलल में कनेक्ट है कैपेसिटर के, तो इसका जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस चेंज करो कुछ भी करो, ये काम ही है इसका कि इसका पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। ओके तो बैटरी कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है तो पोटेंशियल सेम आएगा, बैटरी रिमूव है तो चार्ज सेम आएगा। अंडरस्टैंड, दोनों भी केस में कैपेसिटर तो इंक्रीज होने वाला है, कैपेसिटर में चेंजेस तो आने वाले हैं, मतलब कैपेसिटर इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक में, इसमें भी कैपेसिटर में चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं। तो हमारा कैपेसिटेंस का आंसर अभी क्या आ जाएगा, सी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स। ओके एंड एप्सिलॉन नॉट ए को हम सी इंटू डी लिख सकते हैं, सो सी डी बाय एक्स। ओके तो हमारा कैपेसिटेंस फिर से सी डैश इक्वल्स टू सी डी अपॉन एक्स बन गया है। नाउ वी डैश तो वी है, क्यू डैश की वैल्यू क्या आएगी, क्यू डैश इक्वल्स टू सी डैश इंटू वी डैश। ओके अब सी डैश की वैल्यू है सी डी अपॉन एक्स एंड वी डैश की वैल्यू है वी, तो सी वी को हम लिख सकते हैं क्यू एंड क्यू डी बाय एक्स। सो क्यू डैश की वैल्यू हमारी आ गई है क्यू डी अपॉन एक्स। डी क्या है, डी है प्रीवियस डिस्टेंस, एक्स क्या है न्यू डिस्टेंस। जस्ट ये वैल्यूज प्लेस कर दो, आपको क्यू डैश की न्यू चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ओके नाउ नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे ई। अब ई की वैल्यू क्या रहती है, ई इक्वल्स टू हम लिखते हैं वी बाई डी या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को हम लिख सकते हैं ई डैश को सिग्मा डैश, तो क्यू डैश डिवाइड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश की वैल्यू आती है आपकी क्यू डी अपॉन एक्स, सो क्यू डी अपॉन एक्स ए एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई डैश को यहाँ पर क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एंड डी बाय एक्स, जैसे कि वैसा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं ई, तो ई इंटू डी डिवाइड बाय एक्स। ओके तो ये आपका आंसर बनना चाहिए ई डैश का, मतलब न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आनी चाहिए ई इंटू डी डिवाइड बाय एक्स। ओके नाउ नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे यू डैश, यहाँ पर लिखूँ मैं इसको यू डैश। तो यू डैश की वैल्यू हमारी आएगी यू डैश इक्वल्स टू हाफ सी डैश वी डैश स्क्वेयर। ओके हाफ सी डैश वी डैश स्क्वेयर। नाउ सी डैश की वैल्यू क्या है हमारी, सी डैश की वैल्यू है हाफ, सी डैश की वैल्यू है सी डी अपॉन एक्स। ओके वी डैश की वैल्यू तो वी स्क्वेयर ही है, तो वी तो चेंज होने वाला है नहीं, तो हाफ सी वी स्क्वेयर को हम यू लिखते हैं, हाफ सी वी स्क्वेयर जो इनिशियल यू है एंड डी डिवाइड बाई एक्स। सो यू डैश की वैल्यू हमारी आती है यू डी अपॉन एक्स। फोर्स फाइंड आउट करेंगे हम, फोर्स की वैल्यू है हमारी क्यू स्क्वेयर टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब एफ डैश है क्यू डैश है, अब क्यू डैश को हम चेंज करके क्यू डैश की वैल्यू हमारी क्या आई थी, देखो क्यू डैश की वैल्यू हमारी आई थी क्यू डी अपॉन एक्स, क्यू डैश की वैल्यू क्यू डी अपॉन एक्स।
सो क्यू डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, सो क्यू स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर ए एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं एफ, तो हम इसको एफ लिखेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो न्यू जो एफ डैश रहेगा, एफ रहेगा, वो रहेगा एफ इंटू डी स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर। ओके, डी स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर। आई होप सो आपको ये सारी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि डिस्टेंस चेंज होता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती है। ओके, डिस्टेंस अगर चेंज होता है एंड बैटरी रिमूव है तो क्या कंडीशन आती है, एंड बैटरी रिमेंस है एंड डिस्टेंस चेंज किया जाता है तो क्या चीज़ें चेंज होती है। आई होप सो आपको ये सारे सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।